बीच में नहीं ये कैसे क्या हादसा हुआ था? जैसे कि हम ये मतलब चांदी गांव में कुछ कुछ का व्यापार करते हैं, सोना चांदी का। अच्छा। ये बेचने आए थे तो उधर से आ रहे थे मुसर टोली चांदी से, मठिया के आगे जो बाय न तो एक बाइक पे तीन लड़का सवार थे और इनको गोली मार कर चल दिए। ये गोली मार कर जब चल दिए थे उनका पीछा भी किया, पीछा किए तो निकल गए। ये गाड़ी से थे? ये भी बाइक से थे। अच्छा। वो भी बाइक से थे तो मार के निकल गए। तो आते आते हमारे गांव में ये गिर गए, मतलब तो हमारे इंसानियत का पर्व बना, उनको उठा के अच्छा पोखरी लेकर चले गए। तो मतलब ये सोना चांदी का व्यापार करते हैं, आपको कैसे पता है, पहचानते हैं? तो बोल रहे हैं, सब बता रहे हैं। वो बताए हैं गोली लगाई, ये भी वही बताए, सब बोल रहे हैं। नहीं, आपसे वही बताए हैं सब? सब ठीक है। आप मतलब क्या स्थानीय लोग हैं वहाँ के? नहीं। आप इनकी कुछ लगते हैं? नहीं कुछ। तो मतलब आपको कैसे पता जो सामने बताया उस आधार पर लेके आए? फिर आपने क्या किया, खबर किया? तो हम इनके घर पे फोन किए। कैसे पता? नंबर था इन्हीं के मोबाइल से। अच्छा, ये बताए हैं? हाँ, ये मोबाइल अपना लॉक करके दिए। इनके घर पे फोन किए, फिर ये लोग बोले कि ले जाइए अस्पताल में। हम लेकर चरपोखरी भर्ती करा दिए। चरपोखरी भर्ती कराए तब तक ये लोग नहीं पहुँचे, चरपोखरी भी देखा कि लेट हो रहा है, तब फिर यहाँ पर लेकर आए। पहले आप चरपोखरी देखा है, उसके बाद यहाँ लाए हैं? किसे ले? क्या नाम है आपका? चरपोखरी एम्बुलेंस से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार। कहाँ पे हादसा हुआ है, कौन जगह में? करनौल। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? करनौल जा रहे थे। क्या काम के लिए? बेचते हैं। अच्छा, सोना का काम करते हैं व्यापारी का? तो क्या हुआ आपके साथ? बीचे घेर लिया। कौन? बीचे घेर लिया। कौन घेर लिया? तीन को थे। लोग पहचानते नहीं हैं? क्या बोल रहा था लोग? सामान छीन लिया, गोली मार दिया। कुछ बोल रहा था? बीचे घेर लिया, बोल जा रहा था बोला सामान दो, मार दे दिया, गोली मार दिया। क्या कितना का सामान छीना है? 3 लाख तक। 3 लाख करीब में। क्या नाम है आपका? पिंटू सोनी। पिंटू सोनी। पिताजी का? स्वर्गीय भुवनेश्वर सेठ। भुवनेश्वर सेठ। गाँव? कौन थाना में? सिकराटा थाना में। कहाँ पर हुआ छीना जब्ती? करनौल के चांदी के बीच में।